नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य पालन पर कुछ टिप्स देंगे, क्योंकि इंसान का जीवन तीन खंभों पर टिका हुआ है, जिसमें से पहला है आहार या भोजन, दूसरा है निंद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि आज का युवा ब्रह्मचर्य पालन में रुचि ले रहा है और फालतू के झमेलों में न पड़कर अपने उद्देश्य पर ध्यान लगाना चाहता है, क्योंकि आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा में बहुत फर्क है। पहले भारत देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी, जिसमें 25 साल तक तो विद्यार्थी को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, फिर उसके अगले 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना पड़ता था। और जो शिक्षा पद्धति पहले के समय में थी, उसमें गुरुओं की देखरेख में ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास आश्रम तक व्यक्ति का जीवन भली भांति अच्छा चलता रहता था। लेकिन आज के गुरु घंटालों को यह सब कहाँ पता रहता है, क्योंकि वो खुद ही मिथ्या ज्ञान में उलझे रहते हैं, तो वो दूसरों को क्या समझाएंगे। अब सवाल ये आता है कि 25 साल तक ही ब्रह्मचर्य क्यों? जैसा कि मैंने अभी बताया कि 25 साल तक तो व्यक्ति को गुरुकुल में अपने गुरुओं से ज्ञान लेना पड़ता है, और आज के समय में व्यक्ति लगभग 25 साल तक ही पढ़ाई लिखाई करता है या खत्म कर लेता है। तो ये जो पढ़ाई करने की उम्र होती है, इसमें व्यक्ति का मन भोग विलास में ना उलझा रहे, इसलिए ही 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अनिवार्य होता है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो लगभग 25 वर्ष तक ही व्यक्ति की शारीरिक ग्रोथ होती है। और बड़े बुजुर्ग ऐसा मानते थे कि युवा और जवान अवस्था जमा करने की उम्र होती है, क्योंकि इसके जो अच्छे कर्म हैं वो बुढ़ापे में काम आते हैं। अब ब्रह्मचर्य भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला है अखंड ब्रह्मचर्य और दूसरा है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। अब अगर कोई व्यक्ति को विवाह नहीं करना है और वंशहीन ही जीना है, तो वह जीवन भर मतलब अपने 25 वर्ष से अखंड ब्रह्मचर्य को मरते दम तक बनाए रखता है। और अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ संतान को जन्म देने के लिए संसर्ग करना है, तो ऐसे में उसे गृहस्थ ब्रह्मचारी माना जाता है। श्री कृष्ण, जिन्होंने विवाह करने के बाद भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया था, और जब उनकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा पर थी, तो उन्होंने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया था जिसका नाम प्रद्युमन है। और ऐसा कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और प्रद्युमन साथ चलते थे, तो कोई पता नहीं लगा पाता था कि कौन श्री कृष्ण है और कौन प्रद्युमन है। और आज के इन टीवी सीरियल और पौराणिक कथाओं ने चरित्रवान योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र बहुत बिगाड़ कर रख दिया है, और इसी कारण से ही आज की युवा पीढ़ी इसे भुगत रही है। बाल गंगाधर तिलक ने महाभारत का 36 साल तक अलग अलग जगहों से अध्ययन करके बताया था कि श्री कृष्ण ने सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह किया था, और वो थी रुक्मणी। और ये जो 16108 से शादी करने का कोई जिक्र ही नहीं आता है। गृहस्थ ब्रह्मचारी की दूसरे एग्जाम्पल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, अर्थात जो पुरुषों में भी उत्तम है और पुरुषोत्तम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसने एक ही स्त्री से विवाह किया था और विवाह के बाद 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और वनवास किया था। दोस्तों, अब मैं आपको ब्रह्मचर्य पालन की कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें से पहले आपको रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालनी है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लगभग 2.5 से 1 घंटे पहले का समय होता है, मतलब जो अरुण मुहूर्त होता है, जिसमें सूर्य उदय तो नहीं होता लेकिन वातावरण में थोड़ा उजाला रहता है, और इसी उजाले के पहले जो समय रहता है वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। और इसी समय आपको नींद का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय वात का प्रकोप रहता है, और इसी समय भी मल मूत्र का वेग भी तेज रहता है। और जब व्यक्ति इन वेगों को रोक कर रखता है, तब यह शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और इससे स्वप्न दोष होने की समस्या हो जाती है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन में हानि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का एक फायदा ये भी रहता है कि इससे आपको 99% कब्ज नहीं रहेगी, बाकी का जो 1% है उसमें आपकी लाइफस्टाइल और डाइट मैटर करती है। इसलिए रोज सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ऐसी कसरत या व्यायाम करना है जिससे आपका शरीर ऐसा लगे कि आपने एक बार पसीने से नहा लिया है, जिसमें से सबसे बेस्ट सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार को आपको आसन के तौर पर नहीं करना है, बल्कि इसे व्यायाम के तौर पर जल्दी जल्दी या मध्यम गति से करना है, और व्यायाम करने के कुछ समय बाद स्नान कर लेना है। इसके साथ में ध्यान, योग, प्राणायाम भी जरूर करें। अब बात करते हैं कि आहार जिसमें तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से आपको परित्याग कर देना है, मतलब ऐसे आहार का त्याग कर देना है जिससे आपके शरीर में एक्सेस हीट ना बढ़े, जैसे कि लाल मिर्च, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा, मसालेदार भोजन, ज़्यादा नमकीनी भोजन और आदि, क्योंकि ये भोजन हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी बढ़ाते हैं, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं, क्योंकि शरीर में एक्सेस एनर्जी वासना में बदलती है। ऐसा भी ध्यान रखें कि ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं, इसलिए अनाजों से ज़्यादा फलों पर ध्यान रखें, और दूध भी पिएं तो रात को सोते वक्त ही पिएं। दूध सुबह पीने से वह पचने में ज़्यादा हैवी हो जाता है और यह पूरे दिन भर वासना को बढ़ाता है, जिससे हमारा मन पूरे दिन भटकता रहता है।
और साथ साथ आपको ऐसा प्रयास करना है कि आप कभी कब्ज न होने दें, क्योंकि इससे भी शरीर में गर्मी बढ़ती है और फिर आपका मन विचलित हो जाएगा। अब मैं कुछ डू और डोंट्स बता रहा हूँ, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें पहला है कि आप अकेले में कभी ना रहें और हो सके तो सार्वभौमिक रहें। दूसरा है कि सोने से 2 घंटा पहले ही मोबाइल चलाना बंद कर देना है और सोने से 3 घंटा पहले ही डिनर खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। अगर बीच में भूख लगे तो उसमें आप दूध पी सकते हैं, और जब कभी लगे कि आप में उत्तेजना बढ़ रही है तो उस समय आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने दांतों के बीच दबा लें और धीरे धीरे उसका रस लार के साथ उतारें। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और कोई सवाल आदि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।